देख लेते हैं क्या है। तो ऐसी संस्कृति हो गई है कि इस संस्कृति में शादी से पहले लड़के और लड़कियों की मानसिकता बन गई है, हम भी कमाते हैं वो भी कमाता है, बनी तो ठीक, नहीं बनी तो छोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। माँ भी ऐसे कान भरती रहती है, अरे हो इतने साल से सह रही हूं, कब तक सहोगी, छोड़ो, और छोड़ दिया। लेकिन उस माँ ने अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, माँ ने बच्ची को हर बारीकियां समझाई थी, छोटी छोटी। हो सकता है वो बारीकियां कभी आपने समझी हो या नहीं समझी हो, जब मैं पन्ने पलटता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि कैसी कैसी बारीकियां रहती हैं। तो उसमें जब सात फेरे लिए, तो सात फेरे लेने की परंपरा तो आपके यहां भी चलती है ना, ये वैष्णव परंपराओं में भी चलती है। कई परंपराएं ऐसी होती हैं जिसमें फेरे ना लेकर के सात लकीरें खींच दी जाती हैं, और पति और पत्नी दोनों को एक एक करके एक एक लकीर के ऊपर पैर रखना सिखा करके उस तरफ ले जाते हैं। चाहे आप लकीरें खींच दो और चाहे आप सात फेरे लगा दो, उस सात फेरे के जो अर्थ हैं, उन अर्थ को आज हमको अपनी मानसिकता में एक बार फिर से जीवंत करना पड़ेगा। क्या जीवंत करना है महाराज? क्योंकि अभी बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जिनका विवाह होने वाला है, बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जो अभी अभी विवाहित हो गई हैं, बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिनके जीवन के दो चार वर्ष हुए हैं और उनके घर के अंदर तलाक का वातावरण बनने लगा है। कुछ लोगों ने तलाक के लिए केस दायर भी कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों का तलाक हो भी गया होगा, एकाकी जीवन जी रहे होंगे। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, उसमें पुरुष का बहुत कम बिगड़ता है, अधिकतर बिगड़ता है महिला का। तलाक होने के बाद ऐसी स्थिति रहती बंधु, माँ अपने घर में रखना नहीं चाहती, भाई अपने घर में रखना नहीं चाहता, और उसको कहीं जगह मिलती नहीं। शुरुआत में वही माँ कहती है अरे छोड़ दो हम संभाल लेंगे, बाद में कहती है महाराज कैसे पाप कर्म का उदय था, जीवन भर किनारे को घर में ढोने पड़ रहा है। तो वही माँ कहती है मर जाए तो ही अच्छी, घर में तो ना रहे, जिसने पैदा किया है उसके अंदर के ये विचार हैं। आज की संस्कृति में भी बच्ची घर के लौट के आती है, बहुत दुख देती है, बहुत सलाती है, लेकिन इस माँ ने अपनी बच्ची को बचपन से सब सिखा दिया। अब शादी के समय माँ और वो जो ज्योतिषाचार्य थे, पुरोहित थे, वो पुरोहित विवाह के उस फेरे के वक्त उस कन्या को सिखा रहे थे, बता रहे थे कि बेटा ये जो पहला फेरा है ये ऐश्वर्य के लिए है। ऐश्वर्य क्या नाम है? कि तुम्हारे कारण जिस कुल में तुम जा रही हो उसका पूरा बहुमान बढ़ा रहे, बढ़ता रहे, एक साथ दोनों के कदम उठते हैं। दोनों के कदम उठने का मतलब पति की भी जवाबदारी रहती है कि मैं जिस पत्नी को लाया हूं उस पत्नी के घर का ऐश्वर्य भी बना रहे, और पत्नी की जवाबदारी भी है जिस घर में आई हूं इसके घर का पूरा ऐश्वर्य, इनकी जो ख्याति है, इसकी जो कीर्ति है, ये बनी रहे। लेकिन कई बार पुरुष इतने घमंड में आ जाता है, कितने घमंड में, कि ससुराल में जाकर के पत्नी के घर वालों को रोड से चिल्लाता है, रोड में उनको खूब गंदे गंदे शब्द कहता है, तमाशा पूरे मोहल्ले के लोग देखते हैं। उस समय आपके उस संबंध का पहला भाव खत्म हो गया, आपने अपनी ही पत्नी के घर में जाकर के और पत्नी का ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। पत्नी ने पति के घर में आकर के जब सबके सामने पिताजी से तेज आवाज में बात कर दी, भैया अपना काम खुद करना सीखो, पिताजी हम कब तक आपका करेंगे, हमको अपने बच्चे भी तो संभाल लें, ऐश्वर्य खत्म कर दिया, मिट गया। तो कन्या इतनी सुशील हो, उसको सिखाया जाए, संबंध जो बनाए जा रहे हैं वो दो परिवारों का, दो संस्कृति का, दो विचारधाराओं का एक ऐसा मेल है जिससे ये पूरा संसार और भारतवर्ष और उत्थान को प्राप्त होगा। लेकिन ऐसी कोई शिक्षा हम देते नहीं हैं, बस शादी कर देते हैं। क्या कोर्ट मैरिज कर दी? अरे कोर्ट में दस्तखत करने से किसी को संस्कार मिल जाते हैं क्या? कि शादी के फेरे में
जब शादी का फेरा चल रहा हो उस समय की जो फूहड़ता आज की हो गई है उस फूहड़ता की जगह गंभीरता की जरूरत है। सारी नौटंकियां करते हैं आप फेरे के समय, जबकि सारी सजगता के साथ दिमाग में भर देना चाहिए। जितनी बार किसी की शादी हो रही हो अपनी कुमारी कन्या को ले जा करके वहां दिखाओ, देखो संबंध हो रहा है और इस संबंध में शादी की गंभीरता देखो। गंभीरता क्या कहती है? पहला फेरा जो पड़ रहा है ना बेटा, ये ऐश्वर्य के लिए है। पत्नी ये बात को स्थापित कर लेती है कि अब मुझे पति के ऐश्वर्य की सेवा करनी है, पति का ऐश्वर्य बना करके रखना है और पति का भी कर्तव्य है। बच्चियों को सिखाओ ले जा करके, वहाँ पे तैयार करके जो फूहड़ता का माहौल बनाते हैं, जबकि वहाँ पे शिक्षा का एक वो केंद्र है। उस शिक्षा के केंद्र में पहली चीज सिखाई ऐश्वर्य। पूरा हो गई ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होने के बाद दूसरी चीज, दूसरा फेरा किस बात के लिए? ऊर्जा के विकास के लिए। ऊर्जा का विकास कैसा? कि पति और पत्नी दोनों इस बात के लिए संकल्पित रहते हैं कि हमारा आपका आहार विहार इतना पवित्र होगा जिससे हम दोनों की आयु बढ़े। पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 साल और पति मर गया 55 साल में। किसी ने पूछा कारण क्या? बोले कितनी किलकिल होती थी घर के अंदर, बेचारे घुटते गए और एक दिन निपट गए। कैसे निपट गए आप बताओ? देखो भावनाओं का कितना खेल है कि माँ बहनों को, बेटी को, महिला को घर के अंदर संकलेश हुआ और उसने संकलेश भाव के साथ आटा गूंथ दिया। मन में कसाय है, मन में तीव्र क्रोध है और वो पति के लिए रोटी लगा रही है, पति के लिए सब्जी बना रही है। और संबंध किया था उस समय, ये संबंध में संकल्प था कि ऊर्जा के विकास के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन मन में दुर्भावनाएं इतनी ज्यादा थी कि उस दुर्भावनाओं के साथ बनाए गए भोजन में इतनी विषाक्तता आ गई कि पत्नी के हाथ का ही खाते खाते आप देखिएगा कि पति की उम्र पत्नी की उम्र से हमेशा 10 से 15 साल कम निकलती है। भैया इनको मरे तो 18 साल हो गए, कोई कह रहा 15 साल हो गए। भैया तुम दोनों उम्र में कितना फर्क था? 2 महीने का। फिर वो इतनी जल्दी क्यों चला गया? उसके जल्दी चले जाने का पहला सबसे बड़ा कारण है कि दुर्भावनाओं के साथ उसने जीवन भर विष का भक्षण किया। कुछ चीजें होती हैं तत्काल फल देती हैं, कुछ अनंतर फल देती हैं कुछ समय के बाद। ये दुर्भावनाएं कई लोगों के जीवन में थोड़ी देर बाद फलीभूत होना पसंद करती हैं। इन दुर्भावनाओं का खेल है कि अगर बहुत सारे लोग एक ही वृक्ष के नीचे बार बार जाके बोलें तुम सूख जाओ तुम सूख जाओ तुम सूख जाओ, तो एक दिन उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ करके सूखना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको आप टेलीपैथी भी कहते हैं बंधु। तो दूसरा फेरा जब लग रहा था ऊर्जा के विकास के लिए, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध विचार रखेंगे जिससे हमारी और तुम्हारी दोनों की आयु बढ़े ना कि घटे। आज ये विज्ञान पूरी दुनिया से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फिनिश्ड है। सैटरडे संडे को जब हम होटल में जाते हैं, वहां पे होटल का बना खाते हैं, तो उस होटल के बने खाने और जाने में क्या आपका आहार की पवित्रता रहती है? उसी में छिपकली की पूछ, छिपकली कहीं आदमी की उंगली, कहीं दूसरी चीजें कटी पटी मिल जाती हैं। उस समय उसको खाने से जब आपको फूड एलर्जी हो जाती है, सुनते होंगे कई बार, ये बरसात का मौसम आ गया, इसमें सबसे ज्यादा शादी संबंधों में जो लोग भोजन करते हैं ना उनको सबसे ज्यादा एलर्जी होती है और फूड पॉइजनिंग होती है और एक साथ कहीं 15 लोग कहीं 20 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं और निपट लेते हैं। क्यों? आहार विज्ञान, विहार विज्ञान, कुछ भी नहीं बचा। जबकि संबंध लगाया था तो इसके लिए कि ऊर्जा की रक्षा करेंगे, लेकिन ऊर्जा का धीरे धीरे नाश होता गया। उस ऊर्जा की रक्षा से क्या होगा? तो तीसरा एक प्रकल्प लगाया, उससे भूति उत्पन्न होगी। भूति शब्द में वी विशेषण लगा दो तो विभूति शब्द बन जाता है। विभूति शब्द कहता है कि किसी भी शक्ति को जब आपके पास बहुत अत्यधिक मात्रा में हो, कोई भी पुरुषार्थ करने के बाद आपने जो अपने पास अर्जित किया है वो अत्यधिक मात्रा में हो तो विभूति कहलाती है,
और थोड़ी सी मात्रा में हो तो भूति कहलाती है। वो भूति क्या है? वो भूति है कि हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से घर के अंदर जेवर है, धन है, संपदा है, संपत्ति है, इसको एकत्रित करेंगे जिसके माध्यम से हम और तुम दोनों सुख से रह सके। आप लोग उसमें नियम भी दिलाते हैं ना कि हाँ तुम मेरे जेवर का, कपड़े का, इसका उसका, किसका किसका ध्यान रखोगे। तो पति बोलता मैं ध्यान रखूंगा, तो पति भी ये नियम दिलाता है हाँ तुम मेरे मेहमान का, आने जाने वालों का, मित्रों का सम्मान करोगी। ऐसे कुछ दिलाते कि नहीं? ऐसे होते ना, दोनों तरफ के साथ साथ नियम रहते हैं, जबकि ये सात नियम दोनों के लिए रहते हैं जो आपने हो सकता है पहले कभी ना सुने हो, सुन लेना तो अच्छी बात है। तीसरा, फेरे में भूति का संकल्प। चौथा, परस्पर सुख की वृद्धि। हम एक दूसरे को सुख प्रदान करेंगे, दुख प्रदान नहीं करेंगे। तो सुख कैसे प्रदान करेंगे कि कुछ समय साथ में रह करके मैं तुम्हारी प्रकृति को जान लूंगा, तुम मेरी प्रकृति को जान लेना, फिर तुम ये समझ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे कब गुस्सा आता है, किस बात पे आता है, क्यों आता है। तो धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि पत्नी बाहर से बैठे देख तेरे मौसिया जी को ना अभी 5 मिनट में गुस्सा आने वाला है, तो बोले ये तो बारिश से भी गया बीता, बारिश वाला तो बाद में, वो पहले बता, तेरे मौसिया जी 5 मिनट में गुस्सा होने वाले बेटा, ध्यान रखियो। तो वो बोलता अरे ऐसा कैसे? बोले हमको पता है ना, हम उनकी पत्नी हैं, हमको परस्पर सुख की वृद्धि के लिए हमारी माँ ने सब पहले सिखा दिया था कि उनका विज्ञान तुम समझ लेना, इनका विज्ञान तुम समझ लेना। तो अच्छे जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं उसमें कभी भी ये वातावरण नहीं बनता। पति पहले समझ जाता है कि आज तू ये ताड़का का रूप लेकर के बैठी है, बात ही करना बेकार है, तो सरेंडर हो जाता है, जैसा तुम कहो। तो वो बाद में सोचते अरे इतना सीधा कैसे हो गया, फिर वो समझ जाते हैं कि परस्पर सुख की वृद्धि के लिए कभी किसी को नरम, कभी किसी को गरम, कभी किसी को ऊंचा, कभी किसी को हल्का। लेकिन इन दोनों के बीच में जब अहंकार टकरा जाता है सीधा सीधा, तो ये परस्पर सुख की वृद्धि का कारण ना बनके दुख की वृद्धि का कारण बन जाता है। फलता क्या होता है? ये लड़की बोलती है सुनो हम भी उतना ही कमाते हैं जितना तुम कमाते हो, दोनों का बराबर बराबर, हम मेहनत ना कर पाएंगे ज़्यादा, जो करते मैंने सो कर लो। तो पढ़े लिखे दिमाग में देखो कैसा भेजा काम करता है, और ऊपर से एक तो बिच्छू और उसको दारू पिला दो सो अलग, तो उसकी माँ उसको और दारू पिला देती है लड़की को, बेटा हम तो हैं तुम चिंता मत करो हम सब संभाल लेंगे। अरे पहले तो उसको ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया उसके ऊपर उसको भड़का रही है, माँ है कि चुड़ैल क्या है, लेकिन वो भड़काने का धंधा हर घर में चलता है। कितने अच्छे से समझा दो, कुछ भी कर दो, वो शाम को आधा घंटा बात ना हो तो मजा नहीं आता है। यहाँ की वहां पूरा डेटा ट्रांसफर होकर वहां पे जैसे सेफ जोन में रखा जा रहा है ऐसा। हम अपनी माँ को नहीं बताएं तो किसको बताएं? अरे भैया अपने पति को बताओ, वहां पे मंदिर में जाते हो तो प्रभु को बताओ, वहां बोलो भगवान संसार में फंसे हैं, देखो कैसे कैसे दुख उठाने पड़ते हैं, जिसके बारे में मैं इतना अच्छा सोचती थी वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। वहां जाकर मंदिर में बोलो भगवान से, तो भगवान तो कुछ वहां पे जो सुन रहे हैं असंख्य देवी देवता, वो तुम्हारे सम्यक दर्शन के प्रभाव से हो सकता है तुम्हारे ऊपर कुछ अनुग्रह कर दें, लेकिन माँ तो कोई अनुग्रह करने वाली नहीं है। कौन सी माँ है जिसने बच्ची के फोन पर यह कहा बेटा तुम्हारा परिवार है तुम्ही को संभालना है, यहां मत बताया करो तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा कौन सी माँ कहती है? हम हैं और पापा को हम समझाते हैं रात में तुम चिंता मत करियो। लंबे संसार का यह सबसे बड़ा कारण है। चौथा फेरा लगाया परस्पर सुख के लिए कि हम दोनों मिलकर के एक दूसरे को सुख उत्पन्न करेंगे, और उस सुख के माध्यम से जो संतान पैदा होगी वो संस्कृति के विकास के लिए पैदा होगी। माता पिता दोनों का कर्तव्य था कि कोई दुराचारी संतान पैदा ना हो, लेकिन संतान पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि हमको संतान का विज्ञान नहीं पता था, हमने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ पे उठे, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे संतान स्त्री के गर्भ में आ गई महाराज पता ही नहीं चला। पैदा होती है हॉस्पिटल में, लेकिन गर्भ में कहाँ आई, मुख्य बात तो ये रहती है। तो जो राजकुल के लोग रहते थे जिनको अपना राजा पैदा, राजा को जैसे राजपुत्र पैदा करना है,
तो राजपुत्र पैदा करने से पहले उस पत्नी को समझा दिया जाता था, अपनी साधना करो, शुद्ध भोजन करो, आचरण की पवित्रता रखो, सब कुछ व्यवस्थित रखो। ज्योतिष से पहले समय पूछ लिया जाता था, फिर काम पुरुषार्थ करते थे और उस काम पुरुषार्थ के फलस्वरूप जो एक सत्संतान प्राप्ति होती थी, उस संतान की प्राप्ति से राज्य चला करता था। आज तो पता नहीं कहाँ का खा करके आते हैं, संतान कब हो गई, 2 महीने बाद पता चल रहा है महाराज पत्नी को गर्भ है। तो अब हम सोचते हैं भगवान अभी नई नई शादी हुई, विज्ञान का ज्ञान नहीं है, गर्भ आ गया है, अब ये राम आएगा कि रावण आएगा कौन जानता है, किसको पता। बाण तो दोनों के हाथ में है, कर्म दोनों का एक जैसा है, लेकिन कर्ता की भावनाएं अलग अलग हैं। राम ने भी बाण चलाया, रावण ने भी, कर्म दोनों का एक था लेकिन कर्ता का भाव अलग अलग था। आज पुत्र जो पैदा हो रहा है, जिसको आप कहते हैं महाराज हमारे बस में नहीं, हमको तो लगते नहीं कि हमारी संतान है, हम इतने सीधे, ये इतना सीधा, ये इतना कैसे टेढ़े पैदा हो गया, तो फिर वो समझ में आता है कि संस्कारों की परिभाषा ना दिखाई गई, ना बताई गई, ना सुनाई गई, बस फोरम पूरा किया, संबंध बनाए, विवाह किया, घर में भेजा, अपने दायित्व से निर्वत हुए, पीछे का जो उसके अंदर का जीवत्व गुण था, उस गुण से आज के संबंध विलुप्त होते चले जा रहे। चौथा भाव निकल गया, पांचवा भाव आया, पशुधन की वृद्धि के लिए हम एक दूसरे को स्थापित करते हैं, पशुधन की वृद्धि के लिए, घर में पशुओं का क्या काम। तो आज आपकी संपदा किसी भी चीज से आकी जाती हो, लेकिन सर्वार सिद्धिकार ने भी धन, जब धन शब्द की व्याख्या की है तो गवा दया, गव आदि को धन कहा है, ना कि रुपए पैसे सोना चांदी को। और पहले कपड़ा लेन देन करना हो, संपत्ति खरीदनी हो, कुछ भी करना हो, तो धन गाय से चलता था, भैया 5 गाय दे दी और पूरी बारात का सामान खरीद लिया। चेतन धन कैसा धन है, वो 5 गाय में पूरी बारात का सामान मिल गया, कामधेनु जैसी दे दी, गिर गाय की दे दी, उत्तम नस्ली दे दी, उसके यहां वो धन बढ़ रहा है। यहां पर भैया कोई बहुत बड़ा पाप हो गया तो प्राचीन ग्रंथों तक में लिखा है इस बात को, दान की, गौदान की महिमा, कि अगर किसी मुनि महाराज के, मतलब किसी गृहस्थ के माध्यम से किसी बच्ची की हिंसा हो गई हो, कोई गृहस्थ है और गृहस्थ ने चला करके DNC करा ली, बच्चा गर्भपात करा दिया, मर गया बच्चा गर्भ में, गुरु के पास जाकर के प्राश्चित लेते हैं तो प्राश्चित में यह बताया गया कि भैया तुमने इतने महीने के गर्भ का इस तरीके से गर्भपात कराया है, हो सकता है वो जो बच्चा गर्भ में आया था वो आगे चल करके मुनि बन जाता, बेटी होती तो आर्यिका बन जाती। तो आचार्य आपके भावों को सुन करके, समझ करके धारणा बना लेते हैं कि इसको मुनि हत्या का दोष लगने वाला है कि किसी एक ग्रह सामान्य व्यक्ति की हत्या का दोष लगने वाला है। और गुरुओं को जब ऐसा लगता है कि तुम्हारे गर्भपात से किसी मुनि की हत्या हो गई, जो कालांतर में चल करके मुनि बनता है, गर्भपात कितना महंगा है बंधु, ध्यान रखना, किसी मुनि और आर्यिका की हत्या का दोष भी लग सकता है गर्भपात से, बन जाता क्या पता, उसके अंदर कैसी उपादान क्षमता थी क्या पता। तो तब आचार्य आपकी उस संवेदनशीलता को, उस भाव को देख करके प्राश्चित देते हैं, 25 गाय दान कर देना, 15 गाय दान कर देना, 5 गाय दान कर देना। इस गाय के दान से भी पाप कर्म कटते हैं, और इसीलिए गुरुदेव ने बहुत कुछ सोच करके शांति धारा दुग्ध योजना की शुरुआत की, कि इसके माध्यम से वो जो ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा थी गौदान करने की, और गौदान के माध्यम से गृहस्थों के कई पाप कटते हैं, वे सारे पाप किसी भी जीवन में हो गए हों, किसी के जीवन में हो गए कुछ पता तो चलता नहीं, जानते तो हम है नहीं, लेकिन वे श्रावक अपने पाप कर्म से अपने आप को हटाने के लिए अगर शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से गौदान भी कर देंगे तो उनके उन पापों से बेचारे ये उनऋण होकर के निकल जाएंगे। गुरुदेव कितना सोचते हैं, अब ये भी जानते हैं कि वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि जिस किसी को दान देंगे वो गाय को पाल नहीं पाएगा, तो शुद्ध ब्रह्मचारियों को लगाया वहां पर कि आप लोग रह करके इन गायों की सेवा करो, इस गाय की सेवा करने से वे बहुत सारे गृहस्थ जो गाय पाल नहीं पाते लेकिन पाप करते हैं वो पाप से मुक्त हो जाएंगे,
इनकी सेवा करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी सेवा करने से ये जानवर भी पाप मुक्त होकर के धीरे से अपनी यात्रा में निकल जाएंगे। तो उन गायों के बीच में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उनको रोज नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, शुद्ध छना पानी पिलाया जाता है, प्राकृतिक सौम्य वातावरण में रखा जाता है। आपके एक एक गाय के दान से, दो या पांच गाय के दान से कितनी बड़ी वस्तु व्यवस्था संचालित और सुदृढ़ रूप से चल रही है। दूर से देखने पर लगता है कि लीक से हट करके कोई काम किया जा रहा है, लेकिन जब करीब से देखते हैं तो समझ में आता है कि गोदान से कितने बड़े पाप को हमने काट लिया। हो सकता है आपके गोदान से आप जन्मांतरों में किसी मुनि हत्या के दोष से, मुनि निंदा के दोष से निंदित हुए होंगे, वो पाप इस बार दान देने से कट गया, उनकी रक्षा करने से कट गया। और इसमें भी गुरुदेव तो इतने ऊंचे स्तर पर बैठे हैं कि वो गोदान के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौशाला निर्माण के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौवध के मांस निर्यात ना हो इसलिए भी सरकार के ऊपर बराबर और निरंतर दबाव बना करके रखते हैं। मांसाहार तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मांस निर्यात ये बंद कर दो। इसके लिए गुरुदेव ने कितना पुरुषार्थ किया है। आज उनका पुरुषार्थ ऐसा फलीभूत हुआ कि आज गुरुदेव के आशीर्वाद से करीब 1500 से ज्यादा गौशालाएं सुरक्षित रूप से चल रही हैं, और एक एक गौशाला में, कई गौशालाएं तो ऐसी हैं जहां 5000 से लेकर के 15-15, 20-20 हजार तक पशु हैं, और वहां पर रह करके वो अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सृष्टि का सबसे बड़ा अभयदान है, बहुत बड़ी व्यवस्था है बंधुओं, वो संबंध के साथ बना दी गई पशुधन की वृद्धि के लिए। वृद्धि क्यों करनी है? कभी हो सकता है कोई पाप ऐसा हो जाए जिससे दान देकर के हम पवित्र हो सके। गुरुदेव की वो शांति धारा का जो प्रकल्प था, उस प्रकल्प के पीछे दुनिया को दिखा कि आचार सी दूध डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर पनीर बेचना चाहते हैं, घी निकालना चाहते हैं, जबकि शुद्ध आहार और शुद्ध विहार के लिए आपने पहले ही एक परिक्रमा लगाई है गृहस्थ जीवन के लिए। आज आप जो 400-450 रुपए किलो का घी घर के अंदर खाते होंगे, उसमें आधा डालडा, आधी चर्बी और घी का एसेंस रहता है। जब शुद्ध खाओगे और शुद्ध की कीमत पता चलेगी, तब पता चलेगा कि 2000 रुपए किलो बिकता है, और आपकी ताकत नहीं है इसलिए वो दिल्ली बंबई से लेकर के विदेश तक बिकता है। बिकता है, कीमत को पता होगा किसी की तब तो बिकता है, अपनी अपनी धारणाओं का खेल। तो चौथा फेरा लगा दिया आपने परिवार की, पशु की वृद्धि के लिए। उसके बाद पांचवा फेरा लगाया सखा भाव के लिए। सखा भाव क्या है? कब तक हम वासना का जीवन जिएंगे? कब तक मैं तुम्हें पति, तुम मुझे पत्नी समझेंगे? एक वक्त जीवन में ऐसा भी आए जब हम एक दूसरे को मित्रवत व्यवहार करें, हम एक दूसरे को भाई और बहन के जैसा व्यवहार करें। महाराज, पत्नी के अंदर बहन की दृष्टि कैसे हो सकती है? तो जिसकी 7 प्रतिमाएं हो जाती हैं, उसको उसके अंदर, पत्नी के अंदर बहन की दृष्टि आ जाती है। बंधु, 7 प्रतिमा के व्रत लेने के बाद जब वो अपनी ही स्त्री से ब्रह्मचर्य, कुशील संबंधी चीजों का त्याग करके ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेता है, तो अपनी पत्नी को बहन के समान मानता है और उसके रक्षण और पोषण की जवाबदारी होती है, और कह देते हैं साफ साफ, कल तक तुम मेरी पत्नी थी, आज मैंने 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, आज से तुम मेरी बहन हो। और इस भाव को वो स्वीकार करके पत्नी अपने पति के हाथ में राखी बांध देती है कि आज से मैंने तुमको अपना भाई स्वीकार किया, अब तो मेरी बहन के जैसी रक्षा करना। एक ही जीवन में एक ही स्त्री से इस तरीके के पवित्र संबंध बनाने की कला भी भारतीय संस्कृति में हमको सिखाई गई, लेकिन हम उस भाव से आज भी मुक्त नहीं हो पाए। 80 साल के व्यक्ति से कहो ब्रह्मचर्य का नियम ले लो आजीवन, बोले महाराज जी अभी कृष्ण पक्ष का है और शुक्ल पक्ष की अभी हम साधना कर रहे हैं, धीरे से वो भी हो जाएगा। सुनते हैं तो बहुत शर्म आती है। आप लोग खुद अपने अंतर्मन को टटोलिएगा, 70 साल की उम्र हो गई, 72 साल की उम्र हो गई, क्या आप स्पर्श इंद्रिय के उस भाव से मुक्त हो पाए? आज भी लगता होगा, अरे क्या बताएं। हमने देखे ऐसे लोग जिनकी टांगे दोनों खराब, संलेखना की तैयारी, और आकर के हमसे कहते हैं महाराज किसी को भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ देख रही है।
हमने कहा भगवान तुम्हारी सात प्रतिमा है। बोले महाराज मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है कि मुझे यही लगता है कि सात प्रतिमा के व्रत हैं, भाव ऐसा पैदा होता है मैं नरक में चला जाऊंगा तो मेरी कैसी दुर्गति होगी। तो गुरुदेव के पास जब लेकर के गए तब उनकी दृष्टि खुली और फिर उन्होंने 27 उपवास के साथ संलेखना के व्रत ग्रहण की और अपना समाधि मरण किया। ऐसे भी लोग हैं धरती पर, वो सखा भाव भी पैदा करना। उस सखा भाव के बाद एक और भाव आता है, उस भाव को कहते हैं यहां पर सन्यास भाव, कि मित्रवत व्यवहार करने के बाद धीरे से पति पत्नी आपस में अपने उस उपांत समय को गुजारते, जब अंतिम समय की बात आती है तो शारीरिक शक्ति बराबर बनी रहे, 55, 60, 62 साल की उम्र में वो आरिका का आश्रम खोज लेती है, ये यहाँ पर मुनियों की संगति खोज लेते हैं और अपने जीवन को उत्कृष्टता पे ले जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसी गृहस्थों के उत्कृष्टतम पुरुषार्थ की उत्कृष्टता प्राप्त हो गुरुदेव को कितनी चिंता है, इसलिए अभी उन्होंने तिलवारा घाट में ऐसे 27 गृहस्थों को छुल्लक दीक्षा दी। वे सारे के सारे छुल्लक कैसे थे, समृद्ध घरों के थे, किसी की उम्र 55 साल, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 72। बार बार आते गुरुदेव से निवेदन करते, भगवान आपके आशीर्वाद से मैंने दाम्पत्य जीवन के उस पड़ाव तक पहुंच गया हूं कि उस पड़ाव तक पहुंचने के बाद अब घर में रहना ठीक नहीं है, प्रतिष्ठा खराब होती है, आप समझाइए क्या करना। गुरुदेव ने खूब चिंतन किया तो नेमावर में 9-10 छुल्लुकों को दीक्षा दी और यहाँ पर 27-28 छुल्लुकों को दीक्षा दी। और इतना ही नहीं, महाराज हमें छुल्लक दीक्षा तो दे दी, अब इनका क्या होगा, तो माँ बहनों का क्या होगा, इसलिए उनको 10-10 प्रतिमाओं के व्रत दे करके आज ब्राह्मी आश्रम की पुनः गुरुदेव ने ऐसी स्थापना की है जहाँ पर 60-65 साल की उम्र से ऊपर होने वाली माँ बहनें निर्दोषता पूर्वक संयम को ग्रहण करके आचरण की पवित्रता के साथ, आहार की पवित्रता के साथ, विचार की पवित्रता के साथ अपनी संलेखना की तैयारी करके अपने उस दाम्पत्य जीवन के अंतिम फल को भोगने के लिए तैयारी कर रही हैं। क्या अनुकंपा है आप देखिए, और ये अनुकंपा अपने आप नहीं हो जाती, जब इतने महान आचार्य हमारे बीच में होते हैं तब जाकर कि वो हमारे लिए वस्तु व्यवस्था को बनाते हैं, उनके अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है बताओ, आपके अंदर की क्या सामर्थ्य है, आप क्या इतने लोगों की गृहस्थों की संयोजना कर सकते हैं, नहीं कर सकते महाराज। संस्कृति के प्रत्येक उत्थान करने वाले कार्यक्रमों में अगर समृद्ध तपस्वी और पवित्र आचार्यों का आशीर्वाद और अनुकंपा ना हो, सृष्टि, इस सृष्टि पर संस्कृति टिक नहीं सकती। टिका के रखा सन्यास भाव, सन्यास भाव के बाद अंतिम भाव जो प्राप्त होता है वो होता है आत्मभाव। उस आत्मभाव के लिए भी जो पुरुषार्थ किया जाता है वो अनिवर्चनीय है बंधुओं। जब मुनि महाराज छोटी सी उम्र में बैठ करके उस आत्मभाव की प्राप्ति करते हैं, देख करके आनंद आ जाता है। गृहस्थों को कभी भी आत्मध्यान नहीं हो सकता बंधुओं, आत्मज्ञान तो हो सकता है, ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान में बड़ी आपत्ति है। ग्रंथों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी होती है, उसके अंदर कैसे विशुद्धि परिणाम बनते हैं। जानकारी होना अलग बात और उससे अनुभूति का परिचय होना अलग बात। तो संबंधों की ये भी एक प्रमुखता रही है कि हम ऐसे उत्कर्ष तक धीरे धीरे पहुंच करके और फिर जैसे पेड़ से पका हुआ फल अपने आप टूट करके धरती पर गिर जाता है, हमारे तुम्हारे दाम्पत्य के संबंध भी जन्म जन्मांतरों तक टूट करके गिरने की बजाय उत्थान को प्राप्त होकर के ऊपर चले जाए। दाम्पत्य का फल कभी भी नीचे गिरने के लिए प्रेरित नहीं करता, वो हमेशा ऊपर उठाता है। जिसको गुरुदेव कहते हैं दाम्पत्य वह जीवन है जो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कराता है।